असलमैलैकम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे मैं जुलेखा अरफाज जुलेखा इस किचन से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है आप लोगों की दुआएं ठीक हूँ मज़े में हूँ तो चल रहे हैं रमज़ान तो मैंने सोचा रमजान की के लिए मैं ज़रा दो तीन रेसिपीज़ को कंबाइन करके डालूँ और बेस्ट अगर, अगर अगर आपको क्लासिक चीज़ चाहिए तो आ, समोसे से बेटर क्या ही हो सकता है तो मैंने सोचा तीन समोसे इसको एक साथ कंबाइन कर कर मैं आप लोगों के लिए लाऊं तो ये रेसिपी तीन समोसे कंबाइन करी हुई रेसिपी है चिकन समोसा मटन समोसा और चाइनीज चिकन समोसा तीनों भी बढ़िया है मज़ेदार है बनाएगा और ज़रूर मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा तो so चलिए शुरू करते हैं आज की तीन रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की डिशेज आज की चलिए तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन चाइनीज़ समोसा ये देखिए क्या करारे मस्त बने हैं और बहुत ही डिलीशियस बने हैं माशाल्लाह वैसे मैंने डिफरेंट टाइप के समोसे की सीरीज़ शुरू की है उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ वहाँ आप चेक कर सकते हैं एक फ्राई पैन या कढ़ाई को फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए तेल गर्म हो जाए तो एक टेबल स्पून लहसन डाल दीजिए बारीक कटा हुआ और आधा टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और आधे या एक मिनट तक के लिए फ्राई कीजिए वैसे आप चाहें तो हरी मिर्ची भी पीस के या कूट के डाल सकते हैं एक या दो आधा या एक मिनट हो जाए तो आठ से दस बारीक कटे हुए फरजबीन डाल दीजिए आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसे मिक्स कीजिए और चूल्हे को स्लो कर दीजिए नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए और इसे मिक्स कीजिए और इसे पकने दीजिए तकरीबन दो से चार मिनट तक क्योंकि ये फरजबीन की सब्जी पकना थोड़ी सी बहुत जरूरी है तीन चार मिनट हो चुके हैं और मैंने फ्राशबीन को देख लिया वो हो चुकी है एज इट इज़ बारीक कटी हुई थी तो अब मैं डाल देती हूँ एक टेबल स्पून चिली सॉस एक टेबल स्पून टमाटर सॉस एक छोटा चाह का चम्मच शिजवान चटनी एक छोटा चाह का चम्मच सोया सॉस एक छोटा चाह का चम्मच विनेगर वन फोर्थ या आधा छोटे चाह का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर एक कप भर के बारीक कटा हुआ गोभी पत्ता कैबेज जिसे हम कहते हैं वो भी डाल दीजिए एक बड़ी सी गाजर को मैंने खुरच लिया था तकरीबन आधा कप भर के है ये।, ये आधा कप बॉइल्ड चिकन है श्रेडेड है ये भी डाल दीजिए अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए वैसे ये जो बॉईल चिकन यहाँ मैंने डाला है उसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया था 100 से 150 ग्राम चिकन को मैंने मोटे मोटे पीस करके डाल दिए थे थोड़ा पानी डाल दिया था एक कप एक टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के उसे बॉइल कर लिया बॉयल हो गई चिकन गल गई तो मैंने पानी पूरा सुखा लिया ठंडी हो गई तो उसे श्रेड कर लिया था दो से तीन मिनट तक इन्हें पकाएं मीडियम आंच कर दीजिए और बार बार चलाते रहिए दो तीन मिनट हो जाएं तो एक बड़ी जो शिमला मिर्च होती है उसे मैंने बारीक काट लिया था तकरीबन आधा कप हुई है वो वो भी डाल देती हूँ मैंने उस समय शिमला मिर्च इसके लिए नहीं डाली क्योंकि मुझे थोड़ी सी शिमला मिर्च कच्ची पक्की चाहिए होती है अगर आपने डालना है तो जब आप दूसरी सब्जियाँ डालते तभी ही डाल दीजिएगा चलिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए मीडियम आंच पे दो से तीन मिनट तक इसे पकाएं बार बार चलाते रहें आप चख लीजिए अगर आपको आ, स्पाइस कम लग रहा है या नमक कम लग रहा है तो ऊपर से डाल दें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और मिक्स कर लेती हूँ दो से तीन मिनट हो चुके हैं अच्छी थोड़ी सी क्रंची क्रंची भी रहती है तो अच्छी लगती है चूल्हा बंद कर दीजिए और उसे एक बाउल में निकाल लीजिए और ठंडा करने साइड पर रख दीजिए चलिए सब्ज़ी बहुत अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गई है ये है समोसे की पट्टी ये है आटे का घोल और ये आधा कप हरी प्याज की पत्ती को मैं डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं बट डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मिक्स कर लीजिए मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली आप चाहें तो इस समय एक से दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था इसके लिए मैंने नहीं डाला एक समोसे की पट्टी लीजिए इस तरीके से बीच में रखिए इसे ऐसा फोल्ड कीजिए ये देखिए नीचे से कुछ दिखना नहीं चाहिए अब इसके अंदर इस तरीके से पकड़कर कर आ, एक से डेढ़ या दो टेबलस्पून जितना मिक्सचर डाल दीजिए ये जो चाइनीज बना हुआ है और इसे बहुत अच्छे से प्रेस कर दीजिए हल्के हाथों से अब इसे पलट दीजिए फ़ोल्ड कर दीजिए और ये जो बचा हुआ है स्पेस इसमें आटे की लई लगा दीजिए बहुत अच्छे से और इसे भी बहुत अच्छे से हल्के हाथ से फ़ोल्ड कीजिए और इस साइड पर भी ज़रूरत लगे तो आटे की लई लगा कर इसे पैक कर दीजिए इसी तरीके से सारे बना लीजिए ये जो आटे के पेस्ट से हम समोसे को पैक कर रहे हैं उसके अंदर कुछ नहीं है एक प्याली के अंदर मैंने दो टेबलस्पून भरकर अब मैंने आटा डाला है गेहूं का आप चाहें तो मैदे का डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी डालिए मिक्स कीजिए ना ही पतला ना ही गाढ़ा एक पेस्ट बना लीजिए यही पेस्ट से सारे समोसे सील कर लीजिएगा दो तरीके हैं ऐसे भरने के ये देखिए मैंने भर भर के मैं साइड पर रख रही हूँ आटे की लाइन नहीं लगा रही हूँ अभी पेस्ट नहीं लगा रही हूँ सब एक साथ भर के रख देती हूँ साइड पर फिर एक साथ सारों को मैं आटे का पेस्ट लगा के सील कर दूंगी या फिर सिंगल सिंगल बनाएं उनको पैक करें या आटे की लई लगाकर और साइड पर रखते जाएं दोनों ही वे सही हैं तकरीबन ये सत्रह बने हैं आप ज़्यादा भरेंगे तो कम बनेंगे आप कम भरेंगे तो ज़्यादा बनेंगे चलिए अब हम चलते हैं फ्राइंग की ओर एक कढ़ाई के अंदर खूब सारा तेल डालिए फास्ट आंच पर गरम कीजिए अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे की बिसम बोल के एक एक करके तीन चार एट टाइम डालिए और इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें कुछ सेकेंड्स के बाद इन्हें पलट लें बार बार उलट पलट करते जाएं जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नेताड़कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए सारों को हमें मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है और हाँ एक साथ सारे मत डालिएगा पैचेस में फ्राई कीजिएगा चलिए ये सारों को मैं टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल कर नेताड़ने रख देती हूँ साइड पर और सारे इसी तरीके से बना लेती हूँ जब सारे बन जाएं तो इन्हें गर्मा गर्म टमाटर सॉस या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें चलिए हम दूसरे रेसिपी की ओर चलते हैं आज हम बनाते हैं मटन कीमा समोसा मजेदार से माशाल्लाह क्या क्रिस्पी और क्रंची बने हैं वैसे ये घर में बनी हुई समोसे की पट्टियां हैं इनकी खास बात यह है कि ये तीन चार घंटे के बाद भी क्रिस्पी रहते हैं और बहुत अच्छे से तीन चार महीने तक आप स्टोर करके इन्हें रख के खा सकते हो एक पतीली या कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर जब तेल गर्म हो जाए तो वन फोर टीस्पून या आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए जब जीरा तरतरा जाए तो ढाई सौ ग्राम कीमा डाल दीजिए मटन का और जो छन्नी में भी लगा हो वो भी डाल दीजिए अच्छे से और इसे बहुत अच्छे से फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर तकरीबन आधे से एक मिनट तक बार बार चलाते रहे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता और जब तक थोड़ा पानी नहीं निकल आता ये देखिए पानी निकल आया है तो अब डाल दीजिए थोड़ा सा नमक फ़ास्ट आंच ही रखिएगा वन फोर टी स्पून हल्दी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए जब पानी थोड़ा बहुत सूख जाए तो डाल दीजिए वन टेबल स्पून भरकर अदरक लहसन का पेस्ट उसे भी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए आपने तब तक रोस्ट करना है जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए और ये जो पानी है पूरी तरीके से सूख ना जाए तब तक चलिए पानी सूख चुका है आप डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर एक या फिर डेढ़ छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर वैसे ये कश्मीरी है आपका स्पाइसी हो तो आप अपने स्वाद अनुसार डालिए बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे भी एक मिनट तक फास्ट आंच पर भूनिए जब भून जाए एक मिनट के बाद आधा कप पानी डाल दीजिए मिक्स कर लीजिए फास्ट आंच पर एक उबाल आ जाने दीजिए जब एक उबाल आ जाए तो ढक कर धीमी आंच पर पकने रख दीजिए जब तक कीमा नहीं हो जाता तब तक कुछ मिनटों के बाद मैं चेक कर लेती हूँ ये देखिए बहुत अच्छे से ड्राई तो हो चुका है लेकिन मटन का जो ये कीमा है बहुत ही अच्छे से पक भी चुका है गल भी चुका है और ड्राई अपने आप हो चुका है अब मैं स्लो आंच पर दो से तीन मिनट रख रही हूँ सो दैट और अच्छा ड्राई हो जाए आप चाहें तो फास्ट आँच पर और ज़्यादा अच्छा सुखा सकते हैं कि एकदम भुरभुरा सा होना चाहिए ये जो कीमा है चलिए बहुत अच्छा ड्राई हो चुका है एक से दो मिनट के अंदर तो चलिए चूल्हा बंद कर दीजिए और साइड पर रख दीजिए थोड़ा ठंडा होने के लिए तब तक यहाँ मैं दूसरा प्रिपरेशन कर लेती हूँ ये दो टेबल स्पून आटा लिया है उसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके इसका एक घोल बना के इसे भी साइड पर रख दीजिए चलिए खीमा रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो अब मैं क्या कर रही हूँ जो भी नीचे चिटका हुआ है उसे बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से निकाल लेती हूँ खुरच लेती हूँ इस तरीके से अगर आपकी पतीली नॉन स्टिक है तो ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है वैसे ये दो हरी मिर्चियाँ बारीक कटी हुई है ये स्प्रिंग ऑनियंस की हरी डंडियाँ हैं दो बड़ी वाली उसे बारीक काट लिया है ये बड़ी स्प्रिंग ऑनियंस की जो प्याज आती है उसको छुंदा कर ली है और ये वाली हमारी मीडियम साइज की रेगुलर प्याज़ है उसे भी छुंदा कर ली है मैंने अब कीमे के अंदर डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे रिफोर छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर एक छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए कीमे के अंदर अब साइड पर ये जो सारी चीज़ें रखी है एक एक करके डाल दीजिए जैसे ये हरी मिर्चियाँ बारीक कटी हुई डाल दीजिए ये जो स्प्रिंग ऑनियंस की प्याज़ है दो मोटी मैंने बारीक काटी है वो डाल दीजिए हमारी मीडियम साइज की प्याज़ जो छुंदा काट के रखी है वो डाल दीजिए और अब लास्टली डाल दीजिए ये हरी प्याज़ की जो ग्रीन पत्तियाँ हैं उसे मैंने बारीक काटा है वो भी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप देख सकते हैं कीमा कितना बुर सा है ऐसा ही होना चाहिए नमक चेक कर लीजिए अगर कम लगे तो ऊपर से डाल कर मिक्स कर लीजिए चलिए अब समोसे को हम वारते हैं ये समोसे की पट्टीज़ है ये घर में बनी हुई है आप चाहें तो बाजार की भी ले सकते हैं बस कुछ नहीं किया बनाने से 15-20 मिनट पहले मैंने इन्हें फ्रीज़र से निकाल कर साइड पर रख दिया तो ये देखिए कितनी अच्छे से परफेक्टली एकदम सॉफ्ट हो चुकी है डीफ्रॉस्ट हो चुकी है चलिए एक समोसे की पट्टी लीजिए उसे इस तरीके से फोल्ड करके बीच में रखिए फिर से एक फोल्ड करेंगे तो कोन बन जाएगा नीचे दिखना नहीं चाहिए मतलब होल नहीं होना चाहिए अब डाल दीजिए एक से डेढ़ टेबल स्पून भरकर मटन का मिक्सचर थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस कीजिए पलट दीजिए और यहाँ जो बचा हुआ साइड है इन्हें आ, ये जो आटे की लई लगा के इन्हें भी फोल्ड करके साइड पर रख दीजिए तो हो गई ना हमारी एक इसी तरीके से सारे बना लीजिए समोसे अच्छा अब ये मैं क्या कर रही हूँ बना बना के साइड पे रख देती हूँ आटे की लई अभी नहीं लगा रही हूँ जब एक साथ सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर आटे की लई एक साथ लगा के साइड पर रख दूंगी आप चाहें तो उसी समय एक एक करके भरें उसमें लई लग लगाएं आटे की और उसे बांध कर रख दें या फिर मेरी तरह आप पहले सारे बना लें उसके बाद सारों को एक साथ लगाएं आटे की लई दोनों ही वे सही हैं समोसे की पट्टी ख़त्म हो गई और कीमा बच गया है तो अब मैं क्या कर रही हूँ जो मैंने साइड पर रखे थे घर में बनाकर स्प्रिंग रोल के शीज उसे मैंने फटाफट फ्रीज़र से निकाले पंद्रह मिनट डिफ्रॉस्ट किया और अब मैं इसके ये समोसे की पट्टियाँ बना लेती हूँ काट लेती हूँ तो इसी तरीके से बाकी के सारे बन जाएंगे मेरे ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 26 बने हैं वैसे ये घर के बने हुए तो थोड़े छोटे हैं इसके लिए नहीं तो अगर आप बाज़ार के लेती हो समोसे के पुर तो ज़रा कम ही बनेंगे माशाल्लाह इतने बरकती बने हैं कि मैं एक प्लेट को अभी फ़्राई करती हूँ और बाकी को मैं फ़्रीज़ करके स्टोर करने रख देती हूँ एक जिप लॉक बैक लीजिए और इसको एक एक करके इस तरीके से रखते जाइए कुछ भी नहीं होंगे एक दूसरे को लगेंगे नहीं कुछ नहीं होंगे बहुत ही मज़ेदार से तो दिख तो रहे हैं लेकिन उतनी ही कन्वीनियंटली आप इसे स्टोर करके तकरीबन तीन चार महीने तक रख के खा सकते हो कुछ नहीं करने हैं आपको जब मन करे आधे घंटे पहले फ्रीज़र से निकालें और जब आधे घंटे के बाद ये डी हो जाए तो इन्हें फ्राई कर लें आपके पास जिप लॉक बैग ना हो तो एक इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर लीजिए नीचे एक प्लास्टिक शीट रखिए उसके ऊपर अच्छे से ये हमारे समोसे डालिए फिर से एक प्लास्टिक की शीट रखिए और फिर समोसे डालिए और उसे ढाक कर पैक करके फ्रीज़र में रख दीजिएगा चलिए ये मैं इसे एज इट इज़ ये देखिए फ्रीज़र में रख रही हूँ चलिए बाकी की एक प्लेट फ्राई कर लेते हैं एक कढ़ाई के अंदर खूब सारा तेल डालिए फास्ट आँच पर गर्म कीजिए गर्म हो जाए तो मीडियम कर दीजिएगा तकरीबन दो तीन घंटे के बाद मैंने समोसे को फ्राइंग के लिए निकाला है बाहर ही रखे थे ना ही कोई गीला कपड़ा इसके ऊपर रखा था तब भी एकदम सॉफ्ट है ना ही कड़क हुए हैं क्योंकि ये घर के बने हुए समोसे की हैं, तो चलिए रहमान रहीम बोल के तीन चार एट ए टाइम गर्म तेल में डालिए कुछ सेकेंड्स के बाद इन्हें पलट लीजिए और मीडियम आज पर फ्राई करें उलट पलट करते जाएं, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब गोल्डन ब्राउन होंगे तो बहुत अच्छे क्रिस्पी भी हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए इसी तरीके से सारे मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिए उलट पलट करते हुए अगर आप ज्यादा दिन के लिए फ्रीज करके रखना चाहते हैं तो स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज की पत्ती बिल्कुल भी मत डालिएगा और प्याज को निचोड़ कर डालिएगा ये घर के समोसे की बनी हुई पट्टी है इसके लिए आप तीन चार महीने तक रख के खा सकते हैं जनरली नॉर्मल समोसे की पट्टी हो तो आप पंद्रह बीस दिन रख के खा सकते हैं गर्मा गर्म समोसे सर्व कीजिए टमाटर सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ हरी चटनी का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़े ही ईजी तरीके से कम इन्ग्रीडियंट से चिकन समोसा ये देखिए बड़े क्रिस्पी बने एकदम बढ़िया से मजेदार से माशाल्लाह तो चलिए शुरू करते हैं चूल्हे के ऊपर फास्ट आंच पर कढ़ाई या पतीली रख दीजिए उसमें थोड़ा सा तेल डालिए एक टेबलस्पून जितना उसमें डाल दीजिए वन फोर्थ टी स्पून साबुत जीरा उसे तड़तड़ा तर जाने दीजिए जब तड़तड़ा तर जाए तो ये जो कीमा है साइड पे रखा हुआ वो सारा डाल दीजिए तकरीबन ये कीमा वन फोर्थ के जी है ढाई सौ ग्राम चिकन का कीमा है वैसे ये और ये जो छन्नी में अगर कुछ लगा हो तो उसे भी डाल दीजिए ये पतीली के अंदर बहुत अच्छे से कीमे को मिक्स कीजिए और उसे फ्राई कीजिए तकरीबन आधे या एक मिनट तक उसके बाद डाल दीजिए एक या फिर डेढ़ छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और पाँच आँच पे फ्राई कीजिए आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए अदरक लहसन की अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार और एक छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर वैसे ये कश्मीरी है, आपका ज्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालें स्वाद अनुसार डालें बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए वैसे मैं वन फोर्थ टी स्पून और डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं मिक्स कीजिए और इसे फास्ट आंच पर इसका जो पानी निकलेगा वो सुखा लीजिए चिकन का या देख सकते हैं चिकन का पानी बहुत अच्छे से सूख चुका है तो मैं वन फोर्थ कप पानी डाल देती हूँ मिक्स कर लीजिए इसे फास्ट आंच पर इसे एक उबाल आ जाने दीजिए जब एक उबाल आ जाता है चिकन के अंदर तो ढक्कन से ढाक दीजिए चूल्हा स्लो करके पकने रख दीजिए जब तक चिकन नहीं हो जाती तब तक कुछ मिनटों के बाद चेक कर लीजिए देखिए ड्राई हो चुका है तो मैं फिर से थोड़ा सा वन फोर्थ कप जितना पानी डाल देती हूँ एक उबाल आ जाने देती हूँ फास्ट आंच पर फिर से स्लो कर कर ढाक कर पकने रख दूँगी जब तक चिकन नहीं हो जाती मैंने यहाँ इसके लिए बीच में एक बार खोल के देखा क्योंकि मेरी पतीली नॉन नहीं है अगर आपकी नॉन हो तो आपको शायद ये स्टेप की जरूरत भी नहीं लगेगी चलिए कुछ मिनट हो चुकी हैं चिकन को मैं चेक कर लेती हूँ अगर चिकन हो जाती है इस समय आपकी तो फास्ट आंच कर दीजिए और ये जो बचा हुआ पानी अगर आपको लगे तो इसे बहुत अच्छे से ड्राई कर लीजिए बहुत अच्छे से सुखा दीजिए जब तक थोड़ा सा ऐसा चिटकने के जैसा ना शुरू हो जाए तब तक जब चिटकने जैसा हो जाए तो इसका चूल्हा बंद कर दीजिए तो ये हमारा कीमा रेडी हो गया अब इस कीमे को बंद तो मैं कर देती हूँ उसके बाद थोड़ी देर साइड पर रख देती हूँ कि अच्छा ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे आ जाए जब तक चिकन ठंडा हो रहा है दूसरे प्याले के अंदर मैंने दो टेबल स्पून जितना गेहूं का आटा डाला वन फोर्थ से आधा कप पानी डालिए बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए एकदम अच्छा पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं ऐसा टेक्स्चर और क्रीमी टेक्स्चर ऐसा बनाना है उसे वो घोल बनाकर साइड पर रख दीजिए चलिए चिकन बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है यहाँ मैं सबसे पहले चम्मच की मदद से नीचे अगर कुछ चिटका है इस तरीके से खुरच कर निकाल लीजिए क्योंकि ये हमारी सादी कढ़ाई है आप अगर नॉनस्टिक ले रहे हैं तो उसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलिए ये हो जाने के बाद इसमें दो मीडियम साइज़ छूंदा प्याज डालिए खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए साइड पर मैंने दो से तीन हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर रखी है आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं आप एक बारीक काट कर डालिए वैसे मैंने तीन डाली है बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए वन फोर्थ टी स्पून गर्म मसाले का पाउडर डाल दीजिए वैसे ये घर में बनाएं इसकी रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और आधा छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा डाल दीजिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अब आप चाहे तो समोसे की पट्टी घर की बनाएं या फिर बाजार की लेके उससे बनाइएगा एक समोसे की पट्टी लीजिए उसे इस कदर बीच में फोल्ड करके इस तरीके से रखिए अब फिर से एक फोल्ड कीजिए तो कौन बन जाएगा और नीचे देखिएगा कि कोई होल ना रहे चलिए अब इसमें एक से डेढ़ टेबल स्पून जितना मिक्सचर भर दीजिए कीमा इसे अच्छे से प्रेस कीजिए और पलटिए और अभी ये जो बचा हुआ है वहाँ ये जो हमारी लई हमने बना के रखी है आटे की ऑल ओवर पूरी लगा दीजिए फिर से इसे अच्छे से पलटिएगा क्योंकि कॉर्नर्स में ऐसा रहे ना होल टाइप ना आ जाए फिर से इसे इस तरीके से पलटते जाइए और अगर लगे लई लगाने जैसा तो उसके ऊपर लगाइए और ये देखिए हमारा हो चुका है एक समोसा बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कहीं पर भी आप अंदर सी थ्रू नहीं देख सकते हैं परफेक्टली मेरे जो सारे जो कॉर्नर्स थे वो बंद हैं और सी थ्रू नहीं है तो इसी कदर बना लीजिए सारे अब यहाँ दो तरीके हैं आप चाहें तो एक एक समोसे के अंदर सारा मसाला वगैरह डालें चिकन का उसके बाद आटे की लई लगाकर उसे पैक कर कर हर एक को ऐसा करके आप रख सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या कर रही हूँ सबको पहले भर भर के मिक्सचर डाल डाल के साइड पर रख देती हूँ एक साथ सारों को आटे की जो लई लगा के फिर पैक करके रखूंगी ये देखिए अब मैं सारों को एक साथ आखिर में लई लगा रही हूँ ये आटे की इससे क्या होता है एक दूसरे में मेरे हाथ लग नहीं है एक दूसरे में लगेंगे तो वो चिटकेंगे, एक को, और चिटकेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है समोसे के लिए पर आपको जो कम्फर्टेबल आप तो चलिए ये सारे बन चुके हैं तकरीबन अठारह समोसे बने हैं वैसे ये सत्रह है अठारह बने हैं एक मैंने फ्राई कर लिया ऑलरेडी अब ये भी आप पे डिपेंड होगा आप कम भरोगे तो ज्यादा बनेंगे आप ज्यादा भरोगे तो कम बनेंगे चलिए अब हम फ्राइंग की ओर चलते हैं फ्राइंग के लिए खूब सारा तेल कढ़ाई में गरम कीजिए फास्ट आंच पर अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए ये जो आटे की लई है इसे फेंकीेगा मत इसे क्या कीजिए थोड़ा थोड़ा टिप के ऊपर तीनों साइड लगा कर रहमान रहीम बोल कर डाल दीजिए एट अ टाइम तीन चार डालिएगा उससे ज्यादा मत डालिए यूजुअली ये आटे की लई जो टिप पे मैं लगा रही हूँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आपका ऐसा खुला रह जाए तो आप इस कदर करके उसे बंद कर सकते हैं तो चलिए इसी तरीके से मैंने तीन चार एट अ टाइम डाल दिए हैं और इसे फ्राई कीजिए उलट पलट करते जाइए मीडियम आच पर और जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इन्हें फ्राई कीजिए चलिए दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन हो चुके इसे निकालकर नेतार का कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए इसी तरीके से मीडियम आंच पर थोड़े थोड़े एट अ टाइम डालिए और बैचेस में फ्राई कर लीजिए जब दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकालकर नेतार का कर टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दीजिए अब गर्मा गर्म इन्हें या फिर कैचअप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए तो कैसी लगी बताइएगा मुझे तीन एक साथ मजा आया ना देख के इनमें से कोई भी बनाए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं और रेसिपी अच्छी लगी है तो कंजूसी मत कीजिए लाइक कीजिए हिट करिए लाइक के बटन को और ज्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसी लिंक मेरे वाले फॉरवर्ड कीजिए वैसे हरी चटनी का रेसिपी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है और बाकी मैंने खूब सारी रमजान की रेसिपीज बनाई हैं उसका पूरा प्ले लिस्ट है आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक वहां चेक कर लीजिए अच्छा समोसे की पट्टी आप घर पर भी बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनती है दो दो -ती तीन तीन महीने तक आप फ्रीजर में रखकर उसे बनाकर खा सकते हैं उसका लिंक चाहिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है सो बस आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़ Bye-bye.